Only one grade. So which way? बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि उस टाइम पे तो हम तो इस दुनिया में थे नहीं, अगर आप क्योंकि हमने नहीं हम देखी है जी अगर आप शेयर करना उन्होंने तो बड़े बड़े कलाकारों को इंट्रोड्यूस किया तो दुनिया जानती है, लेकिन ये परिवार कैसा वो कैसे थे वो बहुत मतलब उनसे काफ़ी बात हुई है। उन्होंने कहा किशोरदा के बारे में भी बच्चा था लेकिन ऑब्जर्व करता रहता था, ये उन्होंने बताया था। और सबसे बड़ी बात अभी देखा ना किस तरह से मतलब ये परिवार जो है मैके से भी ज़्यादा प्यार देता है, ससुराल कभी नहीं लगा, बहुत अच्छा। और हम लोग वॉक करते थे, उनके पिताजी भी आते थे और एस मुखर्जी साहब को तो वो जितना रिस्पेक्ट दिया क्या कम ही है। ये बहुत अच्छा लिखा ना मिडास मुखर्जी, हाँ टच करके उसको बोलते पारस, पारस जी बिल्कुल सही मानों में। कौन सी फिल्में देखी आपने उनके और या आपके कौन से? करीब करीब स्कूल से ही जॉय मुखर्जी, फिर लव इन शिमला, दिल लेके देखो, बहुत सारी फिल्में देखी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। फिर राणा मुखर्जी जो है उनका भी मुझे अच्छा लगा था, वो पहले जिधर भी मैं देखूं, और शुरू से स्कूल डेज से मैंने देखी फिल्में। अभी एक वो बहुत अच्छा है, एक बार मुस्कुरा दो, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, न बुझते दिए को याद करना, तू औरों की क्यों हो गई। देखा ना मैं कैसे ज़्यादा प्यार मिलता है। यू नो एक्चुअली मैं लिटरली आज सुबह तक बॉम्बे में नहीं था बिकॉज ऑफ वर्क हमारी फिल्म की वजह से, बट ये एक्चुअली हमारी फैमिली के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है, इसीलिए आई एक्चुअली फिनिश माई वर्क एंड कम बैक ओनली फॉर दिस फंक्शन। सो एक्चुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट शाम है हम लोग के लाइफ में। एंड माई ग्रैंडफादर पास्ट अवे जब मैं काफ़ी छोटा था, बट ऑब्वियसली आई हैव ग्रोन अप हियरिंग अबाउट हिज स्टोरीज एंड द थिंग्स दैट ही अचीव्ड एंड इन द शैडो ऑफ हिज अचीवमेंट्स, सो इट विल बी वेरी नाइस टुडेज़ फंक्शन, इट्स अ वेरी बिग डे फॉर द फैमिली। ढेरों सारी फिल्में हैं उनकी, तो अगर आप कौन सी आपकी करीबी है, आप जब भी फ्री होते हैं उनकी फिल्में देखते हैं? यू नो मैं आपसे सच कहूँगा, मैंने उनकी एक्चुअली इतनी फिल्में देखी नहीं है। मुझे उनका जो इम्पैक्ट रहा हमारी इंडस्ट्री में उसके बारे में पता है, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने सब फिल्में देखी नहीं है उनकी। सो या सो वन डे जब लाइफ में वक्त मिलेगा एंड आई हैव सीन एवरीथिंग देन आई विल आंसर दिस क्वेश्चन ऑनेस्टली। आपकी फिल्म का स्टेटस जानना चाहेंगे? हमारी फिल्म का हमने देखा है कि आपको टाइटल कैसे लगा फिल्म का? ब्रह्मास्त्र अच्छा लगा आपको? इंस्टाग्राम पे हम ढेरों कई सारे आलिया को इवन हम देख रहे हैं कि वो रीड करते हुए कि ब्रह्मास्त्र की स्क्रिप्टिंग रीड कर रही है, मतलब सभी को आपने उसमें आप बताइए। सो मैं बस ये कह सकता हूँ कि बहुत टाइम से बहुत वक्त से मैं एटलीस्ट और मेरी टीम इस फिल्म पे बहुत काम कर रहे हैं। यू नो इस फिल्म पे बहुत लंबा प्री प्रोडक्शन पीरियड रहा है। जब होपफुली जब ये फिल्म बन के आएगी और आप वो विजुअल्स देखेंगे और इस फिल्म की कहानी समझेंगे, सो यू विल अंडरस्टैंड कि इतना टाइम क्यों लग रहा है हमें इस फिल्म को बनाने में। और जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ये सब प्री प्रोडक्शन के बारे में, इस सब का मीनिंग क्या है बेसिकली। बट मैं बस ये कहना चाहूँगा कि बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है एंड आई होप कि यू नो हमारे सिनेमा के लिए एक लैंडमार्क फिल्म बन सके। तो हम ऐसा माने कि ये फिल्म आने के बाद इंडस्ट्री में एक अलग ही बदलाव आएगा, जैसे हमने देखा बाहुबली जब आई, इस तरह का हम माने? बिल्कुल वही ख्वाहिश है, दैट इज़ द ड्रीम, दैट इज़ द गोल। बाहुबली इज़ द स्टैंडर्ड लेकिन obviously अभी तक ये फिल्म बनी नहीं है और मैं बस ये फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. So that is the hope. I really hope कि फिल्म इतनी अच्छी बन के निकले. But वो आप 2 साल के बाद जब फिल्म बनेगी तो आप कहना, वो मैं कैसे कहूँ. Thank you very much. Thank you.